नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर गफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीए को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। राजनीतिक दलों से लेकर आम आदमी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। सीए को लेकर आज मेरठ में भी एक प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये प्रदर्शन सीए के विरोध में नहीं बल्कि पक्ष में है। भाजपा युवा मोर्चा के साथ मिलकर मेरठ के तमाम संगठनों ने लगभग 3 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई तो मानव श्रृंखला से सबसे ज्यादा युवा दिखा। भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा, हमारे जिले और महानगर की टीम के द्वारा माननीय वीना शर्मा जी हमारे जो महानगर के अध्यक्ष हैं, अंकुर मुखिया हमारे जिले के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के मंत्री भाई सत्येंद्र नागर जी, ये युवा मोर्चा की टीम के द्वारा भारतीय नागरिकता संशोधन जो बिल है उसके समर्थन के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश का सभी वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मैं कह सकता हूं कि आम आदमी इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ है और मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए हम सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए। क्या नाम आपका? मेरा नाम संचित गुप्ता है। संचित जी, आपने इतनी लंबी लाइन बनाई है, मानव श्रृंखला बनाई, लगभग 3 किलोमीटर की हमने देखा है, ये तो क्या है, क्यों बनाई है आपने ये? आज हमने मानव श्रृंखला बनाई है जो असामाजिक तत्व सीए के बारे में भ्रम फैला रहे हैं कि वो नागरिकता छीनती है, कि ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। सीए नागरिकता छीनती नहीं बल्कि नागरिकता देती है। जो हमारे इस्लामिक देश हैं, जो मतलब बाहर के इस्लामिक देश और बाहर के देश हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जहाँ उनका उत्पीड़न होता है, उन लोगों का उत्पीड़न ना हो और उनको भारत की नागरिकता दिया जा सके, इसलिए सीए बिल ये पास किया गया है और सारी मानव श्रृंखला बनाई गई है ताकि ये दिखाने के लिए कि जनता भी इस सीए बिल के साथ है। अच्छा संजय जी, ये बताएं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है सीए के विरोध में, क्या कहेंगे आप? 70 साल से कांग्रेस हमारे देश का उत्पीड़न करती आई है। अब जब भाजपा ने हिंदुओं के लिए कोई सोचा है तो यहाँ भी कांग्रेस को दुख है और कांग्रेस का विरोध कर रही है। कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रही है, ये हिंदुओं का विरोध कर रही है। अच्छा।